jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। रूस में एक बॉडी बिल्डर के लिए केमिकल ऑयल से बॉडी बनाना मुसीबत साबित हो रहा है। डॉक्टर्स ने उसे वार्निंग दी है कि फ्यूचर में उसके हाथ काटने भी पड़ सकते हैं। इस फॉर्मर सोल्जर ने ऑयल से फूले अपने हाथों की फोटोज इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं और डॉक्टर की तरफ से मिली वार्निंग का भी जिक्र किया है। स्टावरोलोल प्रायर रीजन के पियातिगोर्स के रहने वाले 21 साल के किरिल तेरेशी ने बॉडी बनाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर डाले। किरिल ने कॉन्ट्रोवर्शियल केमिकल ऑयल के इंजेक्शन से अपने हाथों की मसल्स फुला डाली। अब उन्हें इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। वो जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसमें 85% ऑयल, 7.5% लिडोकेन केमिकल और 7.5% एल्कोहल टेरेशन होता है। किरिल मसल्स दिखाती अपनी बॉडी की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं। इसमें उनके बाइसेप्स लाल और बैंगनी रंग के नजर आते हैं। डॉक्टर्स पहले उन्हें पैरालिसिस के खतरे को लेकर आगाह किया था, लेकिन अब डॉक्टर्स का कहना है कि स्थिति और गंभीर हो गई है। प्रोफेसर इवगेनी लिलिन ने कहा कि तुरंत नहीं, लेकिन फ्यूचर में उसके हाथ काटने की भी नौबत आ सकती है। इसके बाद भी किरिल मानने को राजी नहीं और आगे भी इस होममेड इंजेक्शन से बॉडी बढ़ाने की तैयारी में है। किरिल अब तक 6 लीटर केमिकल ऑयल अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर चुके हैं। उनके बाइसेप्स का साइज अभी 23 है, जिसे वो 27 करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद उनकी तैयारी अपनी बॉडी के बाकी हिस्सों को दुरुस्त करने की है, जिसमें उनका बैक, चेस्ट और शोल्डर्स शामिल है। किरिल का कहना है कि उन्हें अपने हाथों के चलते कोई परेशानी नहीं हो रही है, उनकी बॉडी इसके साथ ढल गई है। उन्होंने बताया कि इस बॉडी के एक महीने में इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं।